कहानी में तो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ की बात करें तो सेट पर मनाया गया रूपाली गांगुली का बर्थडे, जहां पर पूरी कास्ट और राजन शाही ने शामिल होकर इस बर्थडे को काफी ज्यादा हैपनिंग बनाया। सेट पर केक कटिंग हुई और सबने केक खिलाकर अनुपमा का मुंह मीठा किया और उन्हें ढेर सारी बधाइयां भी दी। मैं एक महीने से ये विश करने की फिराक में था। मैंने दाढ़ी बढ़ाई, मैंने कहा पूरा लुक चेंज करके करेंगे, हर बर्थडे डिफरेंट होनी चाहिए। इस बार मैंने पूरा लुक चेंज किया इनकी बर्थडे के लिए। रूपाली जी, कैसा लग रहा है मेरा लुक? पहचान में आ रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड। आई जस्ट होप दिस, आई डोंट नो के मतलब अनुपमा चलता रहे, सालों साल चलता रहे, चाहे मैं अनुपमा रहूँ ना रहूँ, लेकिन अनुपमा तो चलता रहे। तो अनुपमा बस चलती रहे। दिस शो शुड गो ऑन फॉर इयर्स, बट आई जस्ट होप पीपल जिन्होंने इस बार मेरे बर्थडे के माध्यम से चैरिटी की है, उनको ये जो चैरिटी करके खुशी मिलती है उसकी आदत लग जाए और वो ये करते रहें लाइफ लॉन्ग। सो दैट्स व्हाट आई एम होपिंग। फैमिली के साथ तो आई वेंट आउट ऑन अ वेकेशन फॉर 3 डेज, एंड मम्मी, मेरा बेटा, हम सब बाहर गए थे, एंड we had good 3 days holiday, and यहाँ पर उनके साथ सेलिब्रेट करना है और फिर मंडे को पार्टी करनी है, जहाँ आप लोग आएंगे फिर से। हम सब ने तो मिलके इनको गाड़ी गिफ्ट करी दी थी, आपने देखी होगी न्यूज़। अपना पेट काट के हमने इनको दिला दी। अपना पेट काट के देखो। मैं तो, अनुज कभी झूठ बोलता है क्या? अनुज झूठ नहीं बोलता, लेकिन गौरव का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा लग रहा है ना ट्रैक आजकल? दाढ़ी अच्छी लग रही है ना? पर यू नो सो मेनी पीपल केम अप टुडे, मुझे कितनी ऑल एंड सो मेनी दे आर लविंग दिस। मेरे को कितनी आंटी लविंग दिस। नहीं बेटा, हम भी रखना चाहते हैं आंटी की हमारी। हां, हम दोनों अलग अच्छे लग रहे हैं। नहीं, मैं तो अपनी इसकी बात करता हूं लुक की। नहीं, पर हम दोनों अलग अच्छे लग रहे हैं या साथ में अच्छे लगते हैं? साथ में ज्यादा। अभी अभी आगे और भी ज्यादा अच्छे लगेंगे, रुकिए। अभी स्टोरी थोड़ी बताने का, हमको खुद नहीं पता, हम क्या बताएं? वो वाकई बताया नहीं उन्होंने हमको। बर्थडे स्पेशल है क्योंकि अनुपमा है, नहीं तो इट यूज्ड टू बी a simple birthday at home with family and few close friends, but ab jab I am like a child, I love birthdays, mujhe bahut maza aata hai mera birthday hota to, to yahan par aane ke baad celebrate karne ka is tarah se aap sab ke sath and celebrate karne ka reason ye dete hain anupama ki wajah se. So yeah, it is very special and it is special because of him and anupama. Rajan sir, anything you want to add? बस खुशी इस बात की है कि आज खाली हम लोग नहीं, लाइक बर्थडे वाज सिंपल अर्लियर, बट आज आई थिंक पूरा इंडिया, इंटरनेशनली सब जानते हैं कि रूपाली का बर्थडे है, एंड सो इट्स सेलिब्रेटेड, आई मीन पीपल एक्नॉलेज यू एंड डू दैट, एंड आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट। बस अच्छा लगता है कि जब बर्थडे होता है, आज रूपाली ने सारी यूनिट को बुलाया, सब साथ में केक काटे, तो अच्छा लगता है कि जब एक अपने स्पेशल डे में आप सबको इनकॉर्पोरेट करते हो। एंड आई ऑलवेज टेल रूपाली कि दैट ये जो शो अनुपमा है, ये एक भगवान का वरदान है, ऊपर वाले खुदा का ये यू नो एक दुआ बरकत है हमारे ऊपर। तो इस पर जितना हम मेहनत करेंगे, जितने हम ग्राउंडेड रहेंगे, हेड ऑन आर शोल्डर्स रहेंगे, और यू नो वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग, यू नो सक्सेस कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, बट वो जो एक ऑनेस्टी इंटेग्रिटी टूवर्ड्स वर्क है, वो रूपाली ने फर्स्ट डे से रखी है एंड अभी तक है, कायम है पूरी टीम की, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाई वी आर ब्लेस्ड, एंड जस्ट आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू, एंड जस्ट डू दिस एंड फॉर बीइंग नॉट माय बट एवरीबडी इज अनुपमा आल्सो, यू नो। तो एयर पे आने से पहले खाली इट वाज लाइक हमारी हम अनुपमा, अभी सारे सबकी अनुपमा है, एंड डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब एंड कनेक्टिंग विद एवरीबडी, यू नो। सो आई थिंक ये एक ब्यूटिफुल
journey rahi hai and looking forward to many, 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 many more birthdays on the sets with you. God bless you. Thank you. God bless you. Gaurav, any birthday wish you want to give to? Absolutely. मैं पिछले साल भी इनके बर्थडे में यहाँ था और इस साल भी हूँ. एंड आई वुड लाइक टू थैंक राजन सर की गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सच अ यू नो कंप्लीट एक्टर. आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम रूपाली जी. और मैं हमेशा इनको बोलता हूँ कि रोने धोने के सीन्स में ना मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा सा 19 ही रहता था, लेकिन इनके साथ काम करके मुझे लग रहा मैं 19.5 तक आ रहा हूँ. आपको रुला दिया ना? रुला दिया, काम पर रुला दिया. लेकिन बहुत सीखा इनसे. एंड आई एम रियली हैप्पी कि राजन सर गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी. एंड शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट हर. कि अभी भी मैंने देखा था इनकी बर्थडे पे लोगों ने स्ट्रेस को, डॉग्स को खाना खिलाया, कैटल को फीड किया. तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं. और मैंने थोड़ा बहुत लोगों के साथ काम किया है, लेकिन इतना डाउन टू अर्थ इस पोजीशन पे होके, दैट्स व्हाई लाइक राजन सर सेट की अनुपमा शो तो अपने आप में अच्छा है ही, बट द एनर्जीज एंड द सिनर्जीज ऑन द सेट दे यू नो बॉटल डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पिरामिड. तो जब इनसे आता है उसके बाद फिर यहाँ से आता है, तो हम सब जितने बाकी लोग हैं हम सब भी वही अपनाते हैं. एंड वी ऑल्सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज वैल्यूज. एंड ऑल थैंक्स टू हर एंड हैप्पी बर्थडे रूपाली जी. ऐसी कैंडल्स बढ़ती जाएं, बढ़ती जाएं, बढ़ती जाएं. और हर बर्थडे में हम लोग यहाँ हूँ. बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए. हमेशा खुश रहे. जैसे पहले दिन आई थी, जैसे पहले दिन आई थी ये सेट पे, अभी भी उतनी सिंसियर, उतने ही ध्यान से सीन करना, उतनी ही नर्वसनेस होता है जो सीन करती है. बस ऐसे ही करती रहे और सालों साल चलाती रहे. एंड अगेन वन मोर विश फ्रॉम माय मदर हुज अ को-प्रोड्यूसर ऑफ अनुपमा. उन्होंने भी विश किया दैट ऑल द ब्लेसिंग्स एंड ऑल द थैंक यू रूपाली, जिन्होंने हर माँ को प्राउड किया है इंडिया में और विश्व भर में. एंड प्रतीक है ये आई थिंक स्ट्रॉन्ग वुमन का. सो ऑल द विशेस फ्रॉम ऑल द विमेन इन. थैंक यू आंटी. मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ रहती है. आई एम अ वेरी फैमिली पर्सन. तो ऑफ कोर्स मेरी फैमिली साथ में रहती है, बट देयर इज वन पर्सन आई मिस ऑल द टाइम एंड दैट्स माय डैड. सो मुझे ऐसा लगता है इस सेट पे आके कि पापा की ब्लेसिंग्स यहाँ पर है. तो मैं जब इस सेट पे कदम रखती हूँ, मुझे सच में ऐसा लगता है कि आई फील माई फादर्स प्रेजेंस अराउंड मी. एंड सो आई मिस हिम ऑल द टाइम. पर मुझे ये सेट, वो इतना सारा प्यार मिलता है. 3 साल से इस यूनिट के साथ काम कर रही हूँ एंड आई थिंक ये फैमिली बन जाती है, क्योंकि आप 12-14 घंटे आप यहाँ पर रहते हो रोज़. एंड 3 दिन छुट्टी भी दी थी इन्होंने. ऐसा नहीं है कि डेली सोप है तो बिल्कुल मतलब मुझे मार ही देंगे यहाँ पर, बट हाँ मुझे छुट्टियाँ भी मिलती है. लेकिन ज़्यादातर समय इस यूनिट के साथ एक साथ दी थी. और भी मतलब ज़्यादा भी होती है महीने में, ऐसे नहीं कि 3 दिन ही छुट्टी देते देते हैं छुट्टी. बट मुझसे पूछो. बट या आई फील माई फादर्स प्रेजेंस हियर एंड दिस होल यूनिट गिव्स मी सो मच ऑफ लव. तो बस यही प्यार हमेशा मिलता रहे. लाइक ही वाज सेइंग देयर वर लॉट ऑफ पीपल. मैंने हमेशा यही कहा कि प्लीज़ मुझे गिफ्ट्स ना भेजें मेरे बर्थडेज पे, कोई भी स्पेशल ओकेजन में. फैंस बहुत सारी चीज़ें करते हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी अप्रिशिएटेड. इट्स वेरी हम्बलिंग, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग कि इतना कुछ करते हैं वो लोग. लेकिन मैं बस उन सबसे यही हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे गिफ्ट्स मत भेजिए. आप अपने आस पास कोई चैरिटी कर दीजिए, या फिर किसी गौशाला में जाके, या फिर कहीं एनिमल शेल्टर में जाके, या फिर कोई ओल्ड पीपल्स होम, एनी ऑर्फनेट, एनी वेयर. अपने घर में अपनी मम्मी के लिए कुछ खरीद दीजिए, अपने आसपास के स्ट्रेस, घर के आसपास के स्ट्रेस के लिए कुछ खाना डाल दीजिए, बिस्किट पैकेट्स डाल दीजिए. आई कीप आस्किंग देम टू डू दैट. और इस बर्थडे पे बहुत ज़्यादा तादाद में उन्होंने ये किया. समबडी इज़ इवन अडॉप्टेड एन एलिफेंट इन कीनिया ऑन माई नेम एंड दिस इज़ द सेकेंड ईयर. सो यू नो ऑल दीज थिंग्स, दे फेड सो मेनी होमलेस एनिमल्स, दे फेड सो मैनी गौशाला में जाके खाना खिलाया है, अलग अलग चीज़ें की हैं. तो तहे दिल से थैंक यू सो मच ये सब करने के लिए. बस यही, दिस इज़ वॉट मेक्स मी हैप्पी. एंड दिस ऑन दिस आई जस्ट वॉन्ट टू एड दैट अनिल जी, अनिल गांगुली, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सेलिब्रेटेड लेजेंड हु मेड सच ब्यूटिफुल डायरेक्टेड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्रोड्यूस्ड आइकॉनिक फिल्म यू नो. So I feel so happy that you know that you made him so proud. You know that of course everybody knows Anil ji, jinhone filmen banayi hain, like brilliant films, Kora Kagaz, matlab endless, so many Saheb, so many films. And I think he's very proud because jaise I always say, jaise Anil ji jaise wo beautiful filmen banate the, you know, like you can name few films which he did, like Tapasya, Kora Kagaz, Tapasya, Hum Kadam, Trishna, Aachal. So the Saheb. Yeah, the films he used to do now has the same flavor of Anupama. Yes. So that is why I always feel that it is like his blessings on us and you know his unka aashirwad hai. Hamesha kehte rehte hain. Thank you so much. Mumbai
से ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।